राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तख्ता पलट के बाद राज्य के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के बीच संभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। वर्तमान में राष्ट्रवादी का दो गुटों में विभाजन हो चुका है, जिसके चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस पूर्व शहराध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल अहिरकर ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। समर्थन सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को वैचारिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। उसी बीच अनिल अहिरकर ने अपना समर्थन किसी व्यक्ति को ना देते हुए पार्टी को दिया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल अहिरकर ने कहा कि राष्ट्रवादी का पूर्व शहर अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते से एक बड़ा समूह मेरे साथ है, जिसके कारण समर्थन का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम उसी ओर जाएंगे जिस गुट की तरफ राष्ट्रवादी का चिन्ह संवैधानिक रूप से जाएगा। शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के नाते और प्रदेश के उपाध्यक्ष के नाते मेरी एक बड़ी टीम है शहर के अंदर में। उस शहर में शहर के सभी मेरे पदाधिकारियों के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या जो भी ये चल रहा है उसमें हम संभ्रमा अवस्था में हैं, और संवैधानिक तरीके से जो भी जिसको भी सिम्बॉल और पार्टी की ऑथोराइजेशन मिलेगी उसी के साथ हम लोग रहेंगे। आज हम कोई किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं है और किसी नेता के खिलाफ में हम कहीं कुछ कहना नहीं चाहते। अध्यक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं माजी शहर अध्यक्ष के नाते मेरा काम था कि मेरी जो टीम शहर के अंदर में उनकी भावनाएं आपके समक्ष रखूँ। आम्ही पक्षाचं सोबत राहू, जे त्यांनी सांगितल्यानुसार पक्ष संवैधानिक पदानुसार ज्यांच्याकडे फ्लॅग राहील, सिम्बॉल राहील, जे ऑफिशियल राहील त्यांच्यासोबत जाऊ। आमच्याकरता सर्व नेते आता सारखे आहे, कारण की त्यांच्या आदेशानुसार कालपर्यंत आम्ही कामच करत होतो। अजित दादा सांगितलं ते करायचं, जयंत पाटील सांगायचं ते करायचं, पवार साहेबांना मी विचारायचं, पवार साहेब मोठे साहेब ज्येष्ठ आमचे आदरणीय पत्र पवार साहेब सांगायचे, कारण महाराष्ट्र आहे तर तुम्ही यांना विचारा, मला विचारू नका, त्यामुळे आमचे नेतेच होते। NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहोड के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।